React JS from Scratch सीरीज के एक और लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर जो है वो उसी के कंटिन्यूएशन में। तो पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। बट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में कैसे फ्लो होती है, किस तरह से सारी मॉड्यूल्स जो है, सारी फाइल्स जो है, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके एक वेब पेज शो करती है, वो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग के साथ। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो रेंडरिंग का मतलब है टू गिव समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रेंडरिंग क्या होगा, गिव HTML कंपोनेंट या फिर HTML टेम्पलेट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रेंडरिंग के साथ, रेंडरिंग के पर्पस के साथ। सबसे पहले तो रेंडरिंग जो है उसका पर्पस, सोल पर्पस यही है कि एक स्पेसिफाइड HTML टेम्पलेट जो है वो वेब ब्राउजर में शो करे, HTML CSS टेम्पलेट जो है वो वेब ब्राउजर में शो करे, ठीक है। अभी रेंडरिंग ना तीन स्टेप्स में होती है, पूरी जो रेंडरिंग की प्रोसेस है वो तीन स्टेप्स में होती है। सबसे पहला तो ट्रिगरिंग अ रेंडर, एक रेंडर ट्रिगर होगा, ठीक है। ट्रिगर होना यानी कि इनिशियलाइज करना, किसी भी चीज को इनिशियलाइज करना। अभी कब होगा, सबसे पहले तो इनिशियल रेंडर के टाइम पे हम लोग npm स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग रेंडर को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। रेंडर एक रेंडर फंक्शन है, ठीक है, एक रेंडर फंक्शन। अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जाए, VS कोड में जाए और हमारी index.js फाइल देखे, ठीक है, तो यहाँ पे है root.render, ठीक है, root.render। तो इस फंक्शन को कॉल कराना, सबसे पहली बार कॉल कराना, इसको बोलते हैं इनिशियल रेंडर, ठीक है। और दूसरा है व्हेन अपडेटिंग अ स्टेट, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स होते हैं रिएक्ट कंपोनेंट में, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर कोई स्टेट अपडेट होता है ना, तो कंपोनेंट जो है वो री रेंडर होता है। री रेंडर किस तरह से होगा, पहले तो ट्रिगर होगी रेंडर की मेथड, फिर जाके वो री रेंडर होगा, ठीक है। तो ट्रिगरिंग अ रेंडर सबसे पहला स्टेप, रेंडर ट्रिगर होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो रेंडरिंग अ कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट रेंडर होता है, एक तो इनिशियल रेंडर, ठीक है। इनिशियल रेंडर पे क्या करते हैं, पूरा डिपेंडेंसी ट्री बनता है, ठीक है। इंडेक्स जो है वो इंडेक्स से ऐप में जाते हैं, ऐप में भी जितने कंपोनेंट्स है वो रेंडर होंगे, उन कंपोनेंट्स के भी कोई चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे कंपोनेंट्स रेंडर होंगे, ठीक है। तो ये था रेंडरिंग अ कंपोनेंट, इनिशियल रेंडर। और सबसीक्वेंट रेंडर, सबसीक्वेंट रेंडर यानी कि जब स्टेट अपडेट कर रहे हैं तब रेंडर हो गया, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमने जब बहुत पहले हमने पढ़ा था एक लेक्चर में, याद है आपको, वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा, एक स्पेसिफिक जो डुप्लीकेट वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा, दोनों कंपेयर होंगे और फिर रेंडर होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन होगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा, कैलकुलेशन होगी कि क्या क्या एक्चुअल में क्या क्या चीजें चेंज हुई और क्या क्या चीजें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो उस तरह से, और जो वो इंफॉर्मेशन है वो पास होगी डायरेक्टली index.js में, ठीक है। फिर कमिटिंग चेंजेस टू डॉम, ठीक है। कमिटिंग चेंजेस टू डॉम यानी कि क्या, कि सारी चीजें हमने इकट्ठा कर लिया, ऐप के कंपोनेंट्स में ये है, इसके बाद ये है, ये है, ये है, ठीक है। पूरा डिपेंडेंसी ट्री क्रिएट कर लिया। अभी इस डिपेंडेंसी ट्री को हमें एक्चुअल में शो करना है, हमें एक्चुअल में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो तीन स्टेप्स होते हैं। इन तीन स्टेप्स में ना डॉक्स में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि मान लेते हैं कि रिएक्ट जो है ना वो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। वो हमारा जो वेब पेज है, कोड है, प्रोजेक्ट है, वो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट वेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और वेब ब्राउजर क्या है, यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। और पीछे जो है app.js वगैरह जो है वो शेफ्स है। अभी क्या होगा, कस्टमर होगा वो ट्रिगर करेगा, ठीक है, वेटर को बुलाएगा, वेटर को बोलेगा मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये कुछ खाना चाहिए, मुझे पास्ता चाहिए, ठीक है। वेटर क्या करेगा, वेटर बोलेगा अपने शेफ्स को, ठीक है, वेटर बोलेगा अपने शेफ्स को यानी कि app.js index.js को, बोलेगा कि अरे भाई आप ये कंपोनेंट दो, आप पास्ता दो, बना के दो। वो लोग पास्ता बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे पास्ता, ये क्या होगा, रेंडरिंग हो गया, ठीक है। पास्ता बनाएंगे, क्या क्या चीजें लगेगी, क्या क्या नहीं लगेगी, रेंडरिंग हो गया, ठीक है, बना के देंगे, क्या हो गया, रेंडरिंग। फिर कमिटिंग चेंजेस टू डॉम यानी कि क्या, वो वेटर जो है वो पास्ता लेकर के ब्राउजर को, मतलब कस्टमर को देगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि फाइनली जो पास्ता जो बना बनाया था वो उसने
कस्टमर को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्ट में रेंडरिंग होती है। अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि रेंडरिंग करने के लिए क्या एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है। तो सबसे पहले तो ऐप डॉट जेएस जो है वो ऐप नामक एक कंपोनेंट रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? इंडेक्स डॉट जेएस को, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस जो है ना, यहाँ पे मीडिएटर का काम करता है। वो क्या करेगा, जो भी ऐप में आएगा वो पूरा पूरा चीज, ठीक है, जो भी उस दो टैग्स के बीच में होगा वो सारी चीजें जो है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। और हाँ, अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट हो तो वो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली ऐप डॉट जेएस से, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता है। अगर यहाँ पे भी इसके भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हो तो वो यहीं पे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, कोई जो रेंडर मेथड है वो यहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे कॉल होके यहाँ पे ऐप कंपोनेंट दिखेगा, तो ऐप के पास जाएगी, ऐप को बोलेगी कि अरे भाई क्या रेंडर करना है वो बताओ, ठीक है। तो ऐप जो है वो ऐप कंपोनेंट, ऐप नामक कंपोनेंट रेंडर करेगा, उनको उनको रिटर्न करेगा, ठीक है। और ऐप नामक कंपोनेंट में बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हो गए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि ऐप कंपोनेंट डायरेक्ट भी तो रेंडर हो सकता था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, है ना। ऑब्वियसली ये इंडेक्स डॉट जेएस को मीडिएटर की तरह आने की क्यों जरूरत पड़ी। यहाँ पे हम लोग देखे, यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में देखे तो ज्यादातर कभी भी हम लोग इतना ये इसमें चेंज करते ही नहीं, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में चेंज करते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐप बनाएंगे, ठीक है, फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे और फिर इसको रेंडर करेंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे ही रूट बना ले और रूट डॉट रेंडर यहीं पे लिख ले फंक्शन। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हर एक फंक्शन के अलग अलग वो टास्क होते हैं, ठीक है। अभी एक फंक्शन को हमें सिर्फ एक टास्क देना है, ठीक है, जिससे क्या है, कोड जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस था, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कि किस तरह से रेंडर होता है। तो सबसे पहले तो रिएक्ट डॉम यूज होता है, ठीक है। रिएक्ट डॉम से क्रिएट रूट जो है वो कॉल होता है, क्रिएट रूट जो है वो कॉल होता है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगी रूट, ठीक है। तो ये डिव जो होगा अभी रूट में स्टोर होगा, ठीक है। और अभी रूट में जो ये डिव सारी चीजें जो है वो डिव के अंदर रेंडर होगी, रूट के अंदर यानी कि डिव के अंदर रेंडर होगी। और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल कंपोनेंट रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को हटा भी सकते हैं, एक सिंगल कॉम्पोनेंट हम रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंडेक्स डॉट जेएस के बारे में। वैसे ये स्ट्रिक्ट मोड क्यों है वो अब भी आपको इसी लेक्चर में पता चलेगा, बट थोड़ी देर बाद, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे कि रेंडर या रिटर्न क्या कराया जाए, क्या हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग रेंडर करा सकते हैं और रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज रिटर्न या रेंडर नहीं करा सकते वरना एरर आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो एलिमेंट रिटर्न करा सकते हैं या रेंडर करा सकते हैं, H1 एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। और पर हाँ, इसमें सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट हो, हमेशा याद रखना है, वो या तो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों हो या फिर वो सेल्फ क्लोजिंग हो, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग किस तरह से, यहाँ पे अगर हम लोग जाए, अगर विजुअल स्टूडियो कोड में जाए और यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे तो एरर आएगी, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर जनरली इसके बीच में अगर ऐप के ये दो ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ ना हो ना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ ना हो तो हम लोग उनको सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की तरह ही करते हैं, ठीक है। तो ये था सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में। और अभी हम लोग आ जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट रेंडर करा सकते, पीछे जो एग्जांपल था वो कंपोनेंट का था, तो मतलब हम लोग कंपोनेंट भी रेंडर करा सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल कंपोनेंट्स हम लोग रिटर्न नहीं करा सकते,
मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं रिटर्न करा सकते। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड के बाद मुझे रेंडर कराना है H1, ठीक है, H1, तो मैं ये नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल टैग्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल टैग्स हो गए। इससे अच्छा क्या है कि ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है ना, यहीं पे मैं एच वन टैग रेंडर करा दू, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली हम लोग ना ऐप को ही रिटर्न कराते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे, एक सिंगल बॉक्स को, ठीक है, बॉक्स की तरह मान लीजिए, कंपोनेंट्स को बॉक्स की तरह मान लीजिए, वो एक सिंगल बॉक्स हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर वो बॉक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि उस बॉक्स में बहुत सारे और छोटे छोटे बॉक्सेस हो सकते हैं, जिन छोटे बॉक्सेस में हमारी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो रेंडर करने में, पर रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न या रेंडर क्या करना है, एक सिंगल बॉक्स, ठीक है। तो ये था रेंडर के बारे में, ठीक है, कंपोनेंट और एलिमेंट के बारे में। अगर हमें बूलियन या नल रिटर्न कराना है, रेंडर कराना है, तो वो भी हम लोग करा सकते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर हम लोग वेरिएबल्स रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल में कोई भी 1, 2, 3 हो गया या स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, वो किस तरह से रेंडर होगा, फाइनल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वो स्ट्रिंग की तरह रेंडर हो, ठीक है। नेक्स्ट, एरे ऑफ कंपोनेंट्स भी हम लोग रिटर्न करा सकते हैं, कंपोनेंट्स नहीं, एरे ऑफ कंपोनेंट्स। अभी एरे ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कोड में गए, ठीक है, और कोड में जाके हमने ऐप में देखा, ठीक है, तो ऐप में देखा तो ये डिव है, ठीक है, ये डिव है और डिव के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो डिव हो गया एरे ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है, इसको हटा रही हूँ। अभी मुझे एक कंपोनेंट चाहिए H1, ठीक है, H1, और यहाँ पे लिखूंगी मैं दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, दिस इज अ हेडिंग, और मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, और मुझे एक पैराग्राफ चाहिए अराउंड 50 वर्ड्स का, ठीक है, अराउंड 50 वर्ड्स का। वुप्स, यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, चलो तो लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स रिटर्न नहीं करा सकते, इसको एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है, रिटर्न तो करा सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उसको डिव में रैप कर देंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको डिव में रैप कर देंगे, ठीक है, उसको डिव में रैप कर देंगे, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ दबा देती हूँ। तो क्या हो गया, ये डिव के अंदर ये दोनों रैप हो गए, और रिटर्न क्या हुआ लास्ट में, रिटर्न तो एक ही डिव हो रहा ना, एक ही बॉक्स रिटर्न हुआ लास्ट में, ठीक है। पर इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इसको npm स्टार्ट करेंगे ना, तो एक एक्स्ट्रा नोड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग इस npm स्टार्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा नोड बन जाएगा। चलिए देखते हैं, npm रन स्टार्ट करेंगे तब एक एक्स्ट्रा नोड, डिव का एक एक्स्ट्रा नोड बन जाएगा जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, और कंपाइल होने के बाद हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इंस्पेक्ट पे हम लोग देखेंगे तो ये एक डिव है रूट, ठीक है, रूट के अंदर एक और डिवीजन है, ठीक है, रूट के अंदर एक और डिवीजन है, और उसमें दो कंपोनेंट्स है, उसमें H1 है और उसमें पैराग्राफ है, ठीक है। पर हम लोग ये एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं चाहते, एक एक्स्ट्रा नोड नहीं चाहते, क्योंकि ये काफी ज्यादा मेमोरी रोकता है, ठीक है। अभी के लिए तो एक स्मॉल स्केल पर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पर बड़े स्केल पर जब हम लोग बनाते हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जनरली ये प्रेफरेबल तरीका नहीं होता है। तो क्या किया जाए, हमें तो मल्टीपल कंपोनेंट्स तो रेंडर कराने ही कराने हैं, ठीक है, क्या किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो रिएक्ट को इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पे जो फाइल्स है नोड मॉड्यूल की फाइल्स को, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो इम्पोर्ट्स है, और जो ये फाइल्स है svg css सारी फाइल्स है, उनको हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक है,
इम्पोर्ट रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट, ठीक है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और डिव की जगह हम लोग लिखेंगे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, ठीक है, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, ठीक है, डिव की जगह हम लोग लिखेंगे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। अभी हम यहाँ पे क्रोम में जाते हैं, ठीक है, हम लोग क्रोम में जाते हैं और हमें रीलोड कराना है पेज को, तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग है और पैराग्राफ है, कोई एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं लगा है, ठीक है, एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं लगा है। एरे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट जो है उससे पता चलता है जो रिएक्ट का कंपाइलर है उसको कि एरे है, बहुत सारे एलिमेंट्स की एरे है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम इसको रेंडर करते जाते हैं, ठीक है। अभी हमें रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट इतना बड़ा नहीं देखना है, तो इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी है, ठीक है, इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन ये है कि हम लोग दो ब्रैकेट्स भी बीच में कुछ भी ना डालें, ठीक है, दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी ना डालें और इसको सेव करा दें। इसको सेव कराने के बाद, इसको सेव कराने के बाद अगर हम लोग रीलोड करेंगे, अगर हम लोग रीलोड करेंगे तो भी सेम मिलेगा, तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग या तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग इस तरह से जो उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एरे ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि प्रॉपर्टीज, जो कंपोनेंट्स है वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो जो है प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी। कंपोनेंट्स, रिएक्ट कंपोनेंट्स जो है वो टोटली प्योर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वो कोई ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल, उनके बाहर, उन फंक्शंस के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल है उनको चेंज ना करें, ठीक है। दूसरा कि अगर सेम इनपुट दिया जाए तो वो सेम आउटपुट रिटर्न करे, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं, इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं छोटे से, कि कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट चेंज ना करे, मतलब कि कोई एक काउंट नामक वेरिएबल हमने ऊपर बना लिया, लेट काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एक फंक्शन है उसके अंदर काउंट जो है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जब वो बुलाया जाता है, ठीक है, तो उससे पहले वाला वेरिएबल वो चेंज कर देता है फंक्शन, ठीक है, ये वायोलेशन हो गया सबसे पहले प्रॉपर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सेम इनपुट पे सेम रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेम इनपुट पे सेम रिजल्ट भी नहीं दे रहा है, मान लेते कि कोई काउंट वेरिएबल है और काउंट को कुछ मॉडिफाई करके रिटर्न करना है, काउंट के नंबर को रिटर्न कराना है, ठीक है, और इनपुट में हम लोग कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, पैरामीटर्स में हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी अलग 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 टाइम पे हमें अलग अलग आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो ये एक हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल हो गया इसके वायोलेशन का, सेकेंड प्रॉपर्टी के वायोलेशन का। तो प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले तो उनके पहले जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं उनको वो फंक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी वो फंक्शन प्योर कहलाएगा। और दूसरा कि सेम इनपुट पे सेम आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक क्लासिक एग्जांपल ले ले तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का, ठीक है, वाई इक्वल टू टू एक्स का। वाई इक्वल टू टू एक्स में क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू टू होगी तो वाई की वैल्यू फोर होगी ही होगी, मतलब सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहे कि एक्स इक्वल टू टू हो तो वाई कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो अपनी तरह में प्योर है, ठीक है, वो प्योर है कि हम लोग कुछ डाल रहे, एक्स डाल रहे हैं और हमें 2x रिटर्न हो रहा है, तो मतलब एक फंक्शन स्पेसिफाइड है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि यही रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंपोनेंट्स की प्योरिटी। तो हमेशा हमें कंपोनेंट्स की प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।